साधको नमस्कार। स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। हम साधक श्री विद्या क्षेत्र में वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी के मूल्यों को अपना रहे हैं, तो ये वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की विद्या में गणित सूत्रों के आधार में 3, 4, 5, 6 और 8 इन स्थापत्य को जान रहे हैं। प्रथम कदम में हम 3 स्पेस को, हाइपरक्यूब 3 को, इस भौतिक जगत को, इस विश्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसको जानने के लिए हम अपने आप को ये कहते हैं, चलिए हम स्ट्रक्चरल चेंज करें, ये कैसे बना हुआ है और ये स्ट्रक्चर्स जो हैं किस तरीके से हमारे पास विज्ञान से तकनीकी में ले जाएगा। विज्ञान से तकनीकी में पहुंचने के लिए हमारे को इसके जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में जानना होगा। तो पहला कदम होगा कि आइए हम इसकी आकृति को जानें। ये आकृति जो इस तरह बन गई है, जिसके अंदर 8 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जिस पर 12 एजेस हैं, जिसमें 6 सरफेसेस दिख रही हैं और जिसके अंदर एक ये घन, एक मिट्टी का पिंड, एक द्रव्य ये दिख रहा है। ये आकृति जो हमारे पास इस तरह के सांख्य के रूप में सामने आ रही है, इसको जाने। दूसरी बात हम जाने कि ये जो आकृति है, इसका जो ये बाहरी एनवेलप है, जो कि 8 पॉइंट्स और 12 एजेस और 6 सरफेसेस वाला है, ये जो 26 अंक बना रहा है, ये 26 से 27वें अंक में जो पिंड स्वयं में है, यही विद्या हमारे पास जब पिंगल छंद शास्त्र में जानेंगे तो हम देखेंगे कि ये 8 अध्यायों की विद्या है और ये 8 अध्यायों की विद्या आखिर में 35 श्लोकों के 8वें अध्याय में गाथा के रूप में होगी और इससे पहले 7वें में 36 सूत्रों वाली विद्या जो है ये हमारे पास इस सब रूप में होगी कि हम इसको महर्षिणी को जान सकें। सो महर्षिणी ये जो महर्षि से महर्षिणी है, इसको जानना ये हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो ये विद्या क्रम से हमारे को 7वें अध्याय तक पहुँचते पहुँचते और 8वें अध्याय में आखिर में पहुँचते पहुँचते इस तरीके से जो हमारे पास 27वां स्वरूप होगा, जिसके 4 पाद होने से 108 की होगी, जो कि हमारे को ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये ध्रुव विद्या तक पहुँचाएगा, इसको हमें जानना होगा। ये जो ध्रुव की विद्या होगी, इसका तात्पर्य ये है कि हम 7 स्पेस में पहुंच जाएंगे। इसका तात्पर्य ये है कि हम सूर्य की नाभि तक पहुंच जाएंगे। किस तरह के सूर्य की नाभि पर हम क्या हो रहा है वो जाने, वही वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। और जैसे ही हम सूर्य के नाभि 3 स्पेस से 6 स्पेस तक की विद्या को जान पाएंगे, तो ही हम आगे जब ओरिजिन पर जाएंगे तो 7 और 8 दोनों को एक साथ, एक को एक और एक को दो की विद्या से हम 7 स्पेस से 8 स्पेस में जंप कर जाएंगे। ये गैप कैसे फिलअप करना है, ये यहाँ सेतु कैसे बनाना है, इसी के लिए हम वैदिक मैथमेटिक्स में जाना होगा। इसलिए आइए हम इस स्ट्रक्चरल चीज़ को
थोड़ा सा धीमा करें, क्रम से चलें। तो आइए हम इस क्यूब को दोबारा देखें, इस पर दृष्टि डालें। जब हम इस पर दृष्टि डालेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो कॉर्नर पॉइंट दिख रहे हैं, असल में इसके अंदर तो थ्री डायमेंशनल फ्रेम्स एम्बेडेड हैं और ये आधी आधी एक्सिस वाले हैं, और इसी कोने में आधा जो थ्री डायमेंशनल फ्रेम है वो बाहर की तरफ है जो कि अव्यक्त है। तो इस व्यक्त जो दिख रहा है थ्री डायमेंशनल फ्रेम और जो हमें नहीं दिख रहा है, इसको भी जानना होगा। इसलिए इस आकृति को जब हम देखें तो इसका केवल व्यक्त रूप नहीं देखें, इस व्यक्त के साथ अव्यक्त किस तरह जुड़ा हुआ है इसको भी जानना है। आगे जब हम देखें कि इसके अंदर 12 एजेस हैं, 12 लाइनें हैं, तो ये 8 से 12 तक जो पहुंचना है, ये 1 से 8 के अंक लिखें और फिर हम इसके फैक्टर्स लिखें, तो हम देखेंगे कि हम जो नंबर्स 1 से 8 हैं, ये फैक्टर्स 1 से 12 तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए ये जो रेखाएं हैं, जो एजेस हैं, इन एजेस जो कि 12 हैं, ये एजेस 12 हैं, और हमने देखा कि 1 से 8 अंक मतलब 8 जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इसमें से हर कॉर्नर पॉइंट्स में जो तीन तरफ ये फ्लो हो रहा है, ये फ्लो असल में 12 प्रकार का बन जाता है। ये 12 प्रकार का प्रवाह जो है, ये हमें 6 स्पेस के जो बाउंड्री है इसके 5 तक ले जाता है। ये जो 5 है, a रेज टू पावर 6 इज टू 12 b रेज टू पावर 5 है, ये पहुंचता है। ये जो 12 b रेज टू पावर 5 है, इसको जब ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये 5 स्पेस की है, तो 5 स्पेस का जो कंटेंट है, जो आकाश तत्व में द्रव्य है, ये 5 स्पेस का जो कंटेंट है, ये जो पांचवा एलिमेंट आकाश है और इस आकाश का जो द्रव्य है, जब इसको हम जानेंगे तो हम देखेंगे कि ये 8 जमा 17 बराबर 25 बराबर 5 की शक्ति 2। तो ये हम स्क्वायर्स में जा रहे हैं नंबर्स को, तो हम 1 2 3 4 5 की बजाय हम पहुंच जाएंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। इसलिए हमें इस विद्या में जब अंकों में देखेंगे तो हम 1 को 1 की शक्ति 2 में जैसे पहुंचेंगे तो नंबर हमें नहीं बताएंगे, ये जानने के लिए हमें स्थापत्य में जाना होगा। इसलिए हमारे को जब अंक विद्या जब अर्थमेटिक्स में तक रहेंगे तो ये हमें यहाँ पहुँचाने में सक्षम नहीं होगा। तो हमें सांख्य योग से, हमें सांख्य निष्ठा से हमें योग की निष्ठा में पहुँचना होगा। ये जो सांख्य निष्ठा से योग की निष्ठा में पहुँचना है, उसी के लिए ही हमें ध्यान करना है। आइए देखें कि जब हमारे पास ये 8 कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं, ये जो 12 एजेस देते हैं, इनका अंकों में संबंध 1 से 8 से 1 से 12 तक है, तो स्थापत्य में संबंध कैसा है? ये जब हमारे को a रेज टू पावर 6 इज टू 12 b रेज टू पावर 5 में पहुंचाएगा, तो ये a रेज टू पावर 6 इज टू 12 b रेज टू पावर 5 में जैसे ही हम पहुंचे, तो हम एक किस्म का 5 स्पेस के कंटेंट में पहुंच गए, मतलब हम आकाश द्रव्य में पहुंच गए। ये जो आकाश है, ये भी द्रव्य है, ये जानना प्रथम बात है। और दूसरा, ये जो पांचवा द्रव्य बनेगा, इस पांचवें द्रव्य में ये जो जिसको हम D5 लिखेंगे, तो ये कैसे बटता है? ये 5 स्पेस 2 धाराओं वाला 3-3 में डायमेंशन में जाता है और एक तीसरी दिशा इसकी 1 में जाती है, डायमेंशन ऑफ डायमेंशन में। तो हमें ये जानना होगा कि ये जो बिंदु है, इस बिंदु से जो हमारे पास
ये तीन दिशा वाला प्रवाह बनता है। ये तीन दिशा वाला प्रवाह या ये बिंदु, ये जब बिंदु सरोवर बनेगा, स्ट्रक्चर्ड पॉइंट बनेगा, और इस स्ट्रक्चर्ड पॉइंट में जब आकाश द्रव्य आएगा, तो इस आकाश द्रव्य में हमारे पास ये इस तरह का स्वरूप ले लेगा। हमारे पास ये जो तीन दिशाएं चल रही थी, इसमें दो आधार के नीचे अव्यक्त रूप में हमारे पास ये क्यूब या घन परिवर्तित हो जाएगा। तो ये देखे तो हमें 5 + 3 + 3 = 1 = 12 हुआ। इसलिए जब हम इस आकृति को देखें और जब हम इस आकृति से आगे पहुंचने का प्रयास करें, और जब हम बिंदु से हम इस रेखा में एज में जाना चालू करें, तो ये हमें इतना सब कुछ इसके अंदर हो रहा है वो जानना होगा। ये सब जाने बिना हम वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी या तीन स्पेस का जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बहुत ही कम जान पाएंगे। हमारा ज्ञान सीमित रह जाएगा, और उस सीमित ज्ञान को जो आदि से अंत तक हम समझते हैं, हम जान रहे हैं, वो आदि से अंत, आदि केवल 10 दिव्य अंक बनाता है, अंत जो है वो केवल 14 दिव्य अंक बताता है, पर ये अनंत भी है, इससे आगे ये 23 अंक वाला है। किस तरह से 1 से 14 अंक के 1 से 23 फैक्टर्स बनते हैं। ये जो 23 है, ये अंक सबसे इम्पॉर्टेंट अंक बन गया, क्योंकि हमें ये अंत से अनंत तक पहुंचाने वाला है। ये 23 अंक को अपनी वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्शनरी में बहुत ही विस्तृत रूप से अपनाना चाहिए, क्योंकि ये पार्वती का अंक है, ये गॉडेस पार्वती है। तो हम शिव जी के लोक में जब हम 5 स्पेस में पहुंच रहे हैं, तो इस यहाँ पर पार्वती जी का क्षेत्र है, यही श्री विद्या क्षेत्र है। ये श्री विद्या क्षेत्र असल में गणेश और स्कंद का क्षेत्र है, और गणेश जी रिद्धि और सिद्धि दो देवियों के पति हैं, और इनके पुत्र शुभ और लाभ हैं। ये शब्द शुभ जो है, ये 6 और 8 5 और 6 9 14, ये जो लाभ है ये 16 है। तो हमें ये 4 स्पेस के अंदर ले जाएगा, ये हाइपर क्यूब 4 में जो ले जाएगा ये शुभ है। हमें किस तरीके से यहाँ से हाइपर क्यूब 4 में पहुँचना है, ये पहुँचना कैसे पहुँचें, ये हमें जानना होगा। जब तक हम 3 स्पेस से 4 स्पेस में पहुँचना नहीं जानेंगे, तब तक हम इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। और जैसे इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, हम पाएंगे कि इसका जो 4 डायमेंशंस हैं, जो ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, उनके एक एक सिर में दो दो आंखें हैं, तो 2^4 = 16 हो जाएगा। ये जो विद्या है, ये जो आदि से अंत से अनंत में पहुंचने की विद्या है, इसको हमें जानना होगा। और अगर हम देखें कि ये जो हमारे पास 3 स्पेस से 4 स्पेस में पहुंचेंगे, तो इसके अंदर 2^4 पर अगर हम 2 + 2 + 2 + 2 = 8 जो बनता है, जो कि 1 है, और 2 × 2 × 2 × 2 जो कि 16, जो कि 2 × 2 बनता है, ये जानना होगा किस तरीके से ये स्पेशियल डायमेंशनल फ्रेम बन रहा है। तो हम इस क्यूब के अंदर से, जैसे ही हम इस बिंदु 8 कॉर्नर पॉइंट से हम 12 एजेस में पहुँचे, तो इससे आगे किस तरह से हम 6 सर्फेसेस में पहुँचेंगे, किस तरह से ये इसका आधा है, तो किस तरीके से 12 = 6 × 2 से 6
बराबर 6 × 1 तक, किस तरह के दो को हम एक मानकर चलें तो हम पहुंचेंगे। ये हमारा गणित जो लीनियर एक्सिस वाला गणित था, जो कि हमें क्यूब तक सीमित किए हुए था, ये हमारे को आगे स्पेशियल जो कि फोर स्पेस में हमें प्रवेश करवा रहा है। तो हम किस तरीके से इस लीनियर एक्सिस वाले सिस्टम से हम स्पेशियल वाले सिस्टम में पहुँचें, तो आइए हम घन को दोबारा देखें। इस आकृति पर ध्यान करें, हम जानते हैं कि इस आकृति को 8 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, हर कॉर्नर पॉइंट्स में ये 3 डायमेंशनल फ्रेम आधा आधा है और इसका इंटरनल डायगोनल इसके दूसरे आधे को सन्निहित किए हुए है। ये जो हो रहा है और ये जो क्यूब है, ये 8 क्यूब्स में 8 सब क्यूब्स में बट रहा है। इस स्पेस का 8 ऑक्टेंट्स में बदलना ये तीन एक्सिस के कारण दिख रहा है, पर असल में तो ये 3 स्पेशियल एक्सिस में हो रहा है। ये 3 स्पेशियल एक्सिस के कारण से ही ये 1 से 8 में हो रहा है। ये 1 से 8 में होना, ये भाग बनना, ये ही जानना होगा। जब तक हम इसको 1 क्यूब ही मानते रहेंगे, 1 क्यूब ही समझते रहेंगे, तब तक हम इसके बारे में अनभिज्ञ रहेंगे। असल में ये 8 सब क्यूब हैं, ये हमें इस तरह से संकलित किए हुए हैं। इसके अंदर जो सफ़ेद श्वेत आवरण है, ये जो प्रकाश जो है अंदर में सतरंगी है, इसके अंदर 7 रंग हैं, लेकिन हमें ये श्वेत दिखता है। इस श्वेत दिखने के कारण से ही हम इसको 1 क्यूब मान रहे हैं, पर असल में तो इसके अंदर 7 रंग छिपे हुए हैं। ये असल में 8वीं अवस्था है। तो ये 2 क्यूब तक पहुंचना हमें जानना होगा, और इसके जाने बिना हम नहीं कह सकते कि हम इस अपने विश्व को, इस 3 स्पेस को, ये श्वेत प्रकाश से ढके हुए आकाश पिंड को हम जान पा रहे हैं। हम जानते हैं कि अथर्वेद कहता है त्रिशप्ता, ये जो 3 है ये तो 3 और 7 वाला है, लेकिन सप्तेश्वर उपनिषद बताता है 1, 2 और 3 के पश्चात हमें 4 में नहीं जाना, हमें 8 में जाना है, क्योंकि 4 जो है 2 × 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 फैक्टर्स हो चुके हैं, 2 खंड हो चुके हैं। इसलिए हमारे को ये विद्या इस तरह जाननी है, और ये 1, 2 और 3 और 8 का योग 14 है, जो कि हाइपरक्यूब 4 है, और यही हमारे को अग्नि बनाएगा। अगर हम अग्नि शब्द को देखेंगे तो इसके अंदर भी 14 अंक हैं, और अग्नि हमारे पास 3रा द्रव्य है। तो इसलिए ये जो द्रव्य 3रा द्रव्य है, और जो ये पहला द्रव्य है, पृथ्वी का द्रव्य है, ये पृथ्वी की द्रव्य से 3रे अग्नि के द्रव्य में पहुंचने पर जो हमें 1 8 ही बनकर दिखेगा, 1 त्रय हो जाएगा, इसके अंदर छिप जाएगा। इसलिए हम अग्नि की विद्या नहीं जान पाते, इसलिए हम यज्ञ के विधान को नहीं जान पाते। इसलिए हमारे को अगर वैदिक गणित में से वैदिक तकनीकी तक पहुंचना है तो हमें इस अग्नि की विद्या को जानना होगा। ये अग्नि की विद्या का प्रकाश से क्या संबंध है, और इस प्रकाश का सूर्य से क्या संबंध है, और इन सब का चक्षु से क्या संबंध है, और चर्म चक्षु से किस तरह से हमें दिव्य चक्षु में पहुंचना है, और यहाँ से हम किस तरह से ज्ञान चक्षु में होंगे, और इसके पास हमारे पास ब्रह्म दृष्टि आएगी। तो ये सब अवस्थाएं हमें क्रम के अनुसार इस टेक्नोलॉजी की विद्या क्षेत्र में जाननी होंगे। ये सब जानने के लिए हमारे को अब इस आकृति को फिर ध्यान से देखना होगा। इस आकृति को अगर हम ध्यान से देखें तो ये आकृति असल में एक प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश होने के कारण से एक घन बनी हुई है, और इसके अंदर ये बाहरी जो हमारे पास 6 आधार हैं, अगर हम पानी से बर्फ़ में पहुँचें, आइस में पहुँचें,
और अगर हम आइस का क्यूब बनाएं तो आइस के क्यूब में जो बाहरी धरातल हैं वो भी जल हैं, ये भी पानी है, ये कोई अन्य द्रव्य नहीं है। इसलिए हम कहते हैं जो द्रव्य है ये जब द्रवित होता है इसके अंदर जो द्रव्य है इसका जब इत होता है, मतलब जब ये लाइन से प्लेन में बनता है या तीन स्पेस से ये चार स्पेस में बनता है, तो ये जो द्रव्य का परिवर्तन है इस परिवर्तन को जानना होगा। और इस द्रव्य के परिवर्तन को हमारे वैदिक विधान में ये नौ द्रव्य हैं, पृथ्वी भी द्रव्य है, आपा जल भी द्रव्य है, अग्नि भी द्रव्य है, वायु भी द्रव्य है, आकाश भी द्रव्य है। इस आकाश द्रव्य जो कि 8 + 17 = 25 है, ये फिर पृथ्वी बन जाता है। ये इसके आगे हमारे पास काल है, इसके आगे दिशा है, इसके आगे आत्मा है और इसके आगे मन है। ये मन भी एक द्रव्य है, माइंड भी एक द्रव्य है। इस द्रव्य को, इस बुद्धि में जो हमारे मन के अंदर, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर, जो के हमारे मन मस्तिष्क के अंदर जो बुद्धि का क्षेत्र है, इस बुद्धि के क्षेत्र में जो चेतना का आधार है और ये चेतना जो ब्रह्मी अवस्था में स्थापित हो जाती है, ये सब जानने के लिए हमें द्रव्य कैसे द्रवित हो रहा है, ये पृथ्वी कैसे जल बन रही है, और ये सब हमारे को जानना होगा। ये जानने के लिए हमें इस आकृति को बार बार देखना होगा, और जैसे ही हम इस आकृति को बार बार देखेंगे और जैसे ही हम इस पिंड को 8 पिंड वाला देख पाएंगे तो हम इसके केंद्र पर केंद्रित होंगे, जो कि केंद्र जो है ये 23 अंक की व्यवस्था है, जो कि पार्वती जी की व्यवस्था है, जो कि हमारे को 5 स्पेस में पहुंचाने की व्यवस्था है। तो यहाँ पर 8 क्यूब थे, इसलिए यहाँ पर चतुष्पीठ है, यहाँ पर 8 क्यूब के कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन इसका जो केंद्र है वो 5 स्पेस है। तो इसलिए हमें इस आकृति से इस आकृति तक पहुंचना है, इसके केंद्र तक पहुंचना है और फिर केंद्र के भी केंद्र तक पहुंचना है। ये केंद्र के केंद्र तक पहुंचना का तात्पर्य ये है कि जो ऋषि है ये महर्षि बन रहा है और महर्षि को ब्रह्म ऋषि बनना है। ये क्रम के अनुसार जो बुद्धि के क्षेत्र में जागृति हो रही है, जो बुद्धि के में परिवर्तन हो रहा है, जो बुद्धि में चेतना आ रही है, उसी के अनुसार ही हमारी दृष्टि इस आकृति के अंदर की जो आकृति व्यवस्था है उसको जान पाएगी। इसलिए जैसे जैसे हमारी बुद्धि प्रखर होगी, जैसे जैसे हमारी बुद्धि रितंभरा बनेगी, जैसे जैसे इसके अंदर और धारण करने की शक्ति बनेगी, तो हम इस श्वेत आवरण को हटाकर इसके केंद्र में कैसे ब्रह्मा जी का घर है चतुष्पीठ में पहुँचेंगे, इससे आगे हम कैसे ब्रह्मा जी के हृदय में शिव जी का स्थान है वहाँ पहुँचेंगे, और उससे आगे किस तरीके से शिव जी राम जी की, विष्णु जी की आराधना कर रहे हैं और विष्णु जी इनकी आराधना कर रहे हैं, इस अवस्था में पहुँचेंगे। इसमें पहुँचने के लिए हमें पिंगल छंद शास्त्र को जिस क्रम से बंधा हुआ है, पहला गण में जो 8 गण बना रखे हैं, उसके बाद छंद में जो कि हमारे पास 7 तरह के छंद हैं, 6 दिशाओं वाले हैं, जो 42 स्वरूप वाले हैं, यहाँ तक पहुँचना होगा, और इसके बाद हम पाद में जाएंगे और इसी तरह आखिर में गाथा तक पहुँचना है। ये 309 सूत्रों की व्यवस्था जो है इसको हमें ध्यान से देखना है, 15 है, 16 है,
छियासठ है, 53 है, 44 है, 44 है, 36 है और 35 है। एक एक पर पहुंचना है। 35 को देखेंगे तो ये 5 × 7 जो ये 6 स्पेस के डबल डिजिट नंबर्स में है, और 36 इसका पहला ट्रिपल डिजिट नंबर है। तो इस तरीके से हर एक अवस्था में हमारे को इसको अकेले अकेले में भी देखना है और इन सबको इकट्ठा भी देखना है। आइए सबसे पहले हम देखें ये 309 अंक क्या है, ये कहाँ पहुँचा रहा है, ये किस विद्या का क्षेत्र है। तो हमारे पास 9 स्वर हैं, 1 से 9, जिनका योग 45 है। हमारे पास का से माँ तक 5 × 5, ये 125 विद्या में पहुँचाता है। हमारे पास अंतस्था हैं 11 लावा, ये 16 अंक हैं। हमारे पास ऊष्मणा हैं 4, सा श्याहा, ये 20 हैं। हमारे पास यम हैं 9 से 16 तक, ये 100 हैं। इन सब का योग 306 है। ये 306 जो दिव्य अंक हमारी पूर्ण वर्णमाला है इसके हैं, तो ये इसको जब डायमेंशन लेंगे तो 307 में बाउंड्री बनेगी, 308 में डोमेन बनेगा और 309 में ओरिजिन बनेगा। किस तरीके से पिंगल छंद शास्त्र के 309 सूत्र जो 8 स्टेप्स वाले हैं, जो अष्ट प्रकृति वाले हैं, ये किस तरीके से 309 के ओरिजिन में पहुंचाएंगे। और अगर हम और दृष्टि ध्यान से देखेंगे तो यमों के 100 के अलावा यहाँ पर 206 अंक हैं, और हमारे शरीर में कुल हड्डियाँ जो हैं वो 206 हैं। तो किस तरीके से हमारे शरीर का जो अस्थि बल है उस पर कैसे यम स्वरूप में है, और ये किस तरीके से हमारे को अपने केंद्र में पहुंचाएगी, ये सारी विद्या, इस की विद्या जो शरीर की विद्या है, और शरीर से किस तरीके से हमारे को मन में और आत्मा में पहुंचना है। तो आइए जो देखेंगे कि जो 8 गण बन रहे हैं उसमें पहला गण माँ गण है और आखिरी गण ना गण है, ये मन है। तो इसलिए जो पिंगल छंद शास्त्र है और जो कि हमारा शरीर है, शरीर के अंदर जो मन है और मन का जो द्रव्य है, इसके मन के द्रव्य की विद्या ही ये विद्या है। तो ये जो मन है ये कितना है, ये 19 है। ये द्रव्य कितना है, 17 है। कुल मिलाकर कितना, 36 है। तो ये हमारे पास प्राणव है, ये विद्या हमारे को जाननी होगी। यही हमारे पास ऊष्मणा अंक हैं, और ऊष्मणा अंकों की विद्या को हम जब जानेंगे तो ही हम जान पाएंगे कि, और ये श्री विद्या है, इसको जब हम जानेंगे तो यही श्री विद्या है। तो ये विद्या अपने आप में एक ही विद्या का क्षेत्र है, और ये एक विद्या का क्षेत्र ही अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहा है। इसलिए जो हमारे पास द्रव्य है वो मूलतः एक ही है, और यही एक द्रव्य 9 द्रव्य के स्वरूप में बन रहा है, और ये पृथ्वी से लेकर जो मन तक के 9 द्रव्य हैं, इन 9 के 9 द्रवों की अवस्था को हमें जानना होगा। और जैसे ही हम जानेंगे तो ये हमारे पास 19 है, ये हमारे पास 25 है, इन दोनों का योग 44 है, जो कि परम वियोम है। इस परम वियोम में ही ऋचाएँ हैं, ऋचो अक्षरे परमे वियोमन। ये जो दिव्य आकाश है, इस दिव्य आकाश को, इस परम आकाश को, इस परम वियोम को जानना है। इस परम वियोम को जानने पर ही हम लगद ज्योतिष वेदांग को जान पाएंगे, और लगद ज्योतिष वेदांग जो यजुर्ज्योतिष विज्ञान है, ये हमारे पास 44 सूत्रों का ग्रंथ मिलेगा। तो इसलिए वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों को जो के क्रम से चलना है, तो उनको 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस, 6 स्पेस, इसके बाद 8, या हमारे को 0, 1, 2, 7, 9 और 10,
ये 11 के 11 हमें भिन्न जानने होंगे। ये 9 द्रव्य जो है, किस तरीके से ये 9 एज डायमेंशन जो है इस 11 डोमेन में पहुंचा देगा, और 11 जो है 5 स्पेस की ज्योमेट्रीज हैं, वर्शंस हैं, ये हाइपर क्यूब 5 में पहुंचा देगा, ये शिवलोक में पहुंचा देगा, ये ध्रुव विद्या में पहुंचा देगा। सो ध्रुव से रुद्र विद्या तक पहुंचना जो है, ये जो अष्ट है ये 11 है, और जो रुद्र है सत्रह है, और 17 में 19 तक पहुंचाता है। किस तरीके से ये पूरे का पूरा विद्या क्षेत्र एक ही क्षेत्र है, प्लस अलग अलग भागों में बटा हुआ है, इसलिए हमें एकाधिकेन के माध्यम से ही, हमें पूर्वेन के माध्यम से ही हमारे को पहुंचना है। ये 9 और ये 7 अंक हैं। जैसे ही हम छंद अध्याय 2 में पहुंचेंगे, तो हम जान पाएंगे कि गायत्री से जगती तक 7 और 8 अव्यक्त रखकर, फिर हम जब 15 से 9 तक पहुंचेंगे तो यहाँ 8 अव्यक्त रहेगा। तो ये एकाधिकेन 9 और ये पूर्वेन 7, तो ये जो क्षेत्र है, ये जो जागृत हो रहा है, इसको हम एकाधिकेन पूर्वेन के योग से मानेंगे, इसको खंडित नहीं मानेंगे। तो ये जो बीच में भेद है, ये जो बीच में छेद है, ये जो बीच में भिन्नता है, इस पर सेतु बनाना होगा, और इस सेतु को बनाने का काम ही तकनीकी है। ये सेतु कैसे बनता है, ये सेतु किन गुणों वाला होगा, तो देखेंगे ये 9 और 7 गुणों वाला है। इस 9 और 7 पर ये 8 का जो गैप है, इस पर किस तरह से सेतु बनाया जाए, 8 और 8 को 16 कैसे बनाया जाए, तो इसको एक क्रम से उसके विपरीत क्रम में कैसे पहुंचा जाए, इन दोनों को एक साथ कैसे लिया जाए, तो ही हम इसको जान पाएंगे। इसलिए विद्यार्थियों, साधकों, आप पर ये महर्षि जी का ऋण है, ये स्वामी जी का ऋण है, और ऋण ये है कि आपको ध्यान करना है, और दूसरा आपको 5x5 के बारे में जानना है, इस पर ही आगे चलना है। तो ये 1 से 9 तक के जो स्वर हैं, इनके मध्य में जो बांटेंगे तो ये 5x5 बनेगा। आपको इन का से लेकर मा तक के जो व्यंजन हैं, इनके बारे में जानना होगा। जैसे ही इन व्यंजनों को आप जान लेंगे और इन स्वरों के साथ स्वरित कर लेंगे, तो आपके पास यम स्वयं में स्थापित हो जाएंगे। ये आपकी बुद्धि को जो चेतना का आधार प्रदान करना है, यही आपकी साधना है। ये साधना जो है, ये बताती है साधना, मतलब आपको अपने आप को ये मानना होगा कि आप स्वयं कुछ नहीं कर रहे, ये स्वयं भू है, ये अपने आप हो रहा है। अपने आप होने का तात्पर्य ये है कि आप ध्यान में चले गए, आपने 7 अंक को अपना यान बना लिया, तो ये 8वें अंक में स्वयं ले जाएगी। ये अष्ट प्रकृति है, ये नव ब्रह्म की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। तो ये एकाधिकेन पूर्वेन को सेतु स्वयं में बना रही है। ये सेतु स्वयं में कैसे बन रहा है, इसके लिए हमें उपसूत्रों में जाना होगा, और उपसूत्र 13 है, और ये चित्त का अंक है। तो इसलिए ध्यान करते वक्त हमारे को जो चेतना मिलेगी, वो सेतु स्वयं में बना लेगी। इसलिए बुद्धि सचेतन कैसे हो, ऋतंभरा कैसे बने, ये चर्म चक्षु दिव्य चक्षु कैसे बने, दिव्य चक्षु ज्ञान चक्षु हों, और में ब्रह्म दृष्टि कैसे है, ये कृपा हम कैसे प्राप्त करें, उसके लिए ही हमें सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जैसे अपने हृदय में ध्यान करके
शिव भोले का आशीर्वाद प्राप्त कर कर एक से दस हो गए, उसी तरह ही हम साधकों को स्वामी जी की निर्देश को श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक अपनाकर इस पथ पर चलना होगा, यही हमें साधक बनाएगा। धन्यवाद।